मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण SGS इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को किए गए करोड़ों रुपए के नियम विरुद्ध भुगतान मामले में घिरता जा रहा है। SGS इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अब MPRRDA के लिए गले की फांस बन चुकी है। कंपनी ने MPRRDA के अधिकारियों से साठ गांठ कर करोड़ों का अवैध भुगतान प्राप्त किया है। इसमें कंपनी के टेंडर शर्तों का खुले तौर पर उल्लंघन किया है। कंपनी ने वर्ष 2019 से 2021 तक कंसल्टेंसी का काम किया। कंपनी ने टेंडर में बगैर पावर ऑफ अटॉर्नी भाग लिया और बगैर अनुबंध के काम भी शुरू कर दिया। अधिकारियों ने आंखों पर पट्टी बांधकर कंपनी को काम सौंप दिया और बगैर अनुबंध के 50 से अधिक PIU के लिए 60 करोड़ से अधिक का भुगतान कर दिया, जिसमें जिलों के GM से लेकर सब इंजीनियर तक शामिल है। इस मामले को लेकर RTI कार्यकर्ता इदरीस खान ने MPRRDA में शिकायत भी की, लेकिन अधिकारी पिछले 3 साल से शिकायत को दबाए बैठे हैं। इस मामले में जब प्रदेश टुडे ने तन्वी सुंदरियाल CEO MPRRDA से बात की तो उन्होंने कहा कि इस मामले में हर पहलू की गंभीरता से जांच कराई जाएगी। यदि कहीं भी नियमों का उल्लंघन हुआ है तो कार्रवाई की जाएगी। बने रहिए प्रदेश टुडे वीडियो न्यूज के साथ। धन्यवाद।